सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां हम अपने दिल की बात करते हैं। दूर के लोगों को पास लाने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जिसे हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के नाम से जानते हैं। पर यही सोशल मीडिया अब लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। कल शामगढ़ में कुछ बड़े व्यापारी व भाजपा के कार्यकर्ता एवं अन्य लोगों ने थाने में एकत्रित होकर एक फेसबुक आईडी को बैन कराने के लिए ज्ञापन दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फेसबुक आईडी को बैन कराने के लिए इतने बड़े बड़े लोगों ने ज्ञापन क्यों दिया, तो हम आपको बता दें कि यह फेसबुक आईडी शामगढ़ नगर विकास के नाम से थी। हमने इसीलिए बोला है कि ज्ञापन देने के बाद ये आईडी अब बंद हो गई है। ये आईडी जिस भी व्यक्ति की थी, वह व्यक्ति शामगढ़ के लोगों से बड़ा दुखी था। यह दुख तो उन महाशय के मिलने के बाद ही पता चलेगा। उस भैया को क्या तकलीफ थी, यह तो वह भैया ही बता सकते हैं। हम तो आपको इतना बता सकते हैं कि उस भाई की 7-8 पोस्टों ने शामगढ़ नगर में अरफा तरफी मचा दी। तभी शामगढ़ के व्यापारी व भाजपा के कार्यकर्ता और समाजजन इकट्ठा होकर फेसबुक आईडी को बंद कराने के लिए थाने में पहुंचे एवं ज्ञापन दिया। देखते रहिए 7 न्यूज की खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक आईडी है नगर विकास, ऐसे तो सोशल मीडिया का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए, पर कुछ आताचारी लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि शामगढ़ की फिजा बनी रहे, शामगढ़ में जो सद्भाव से जो लोग रह रहे हैं और रहे, इसी फिजा को बिगाड़ने के लिए वो लोग नगर विकास सोसाइटी के माध्यम से ऐसी ऐसी पोस्टें कर रहे हैं जिससे कि नगर की शांति भंग हो सकती है। इसी विषय को लेकर आज नगर के सभी वरिष्ठ लोगों ने, युवा साथियों ने माननीय थाना भवन से आग्रह किया है कि व्यक्ति का कौन है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे अन्य प्रकल्प आगे से ना चल पाए हमारे नगर में। नंदू कुमावत, मंडल अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा, शामगढ़। किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया है? ये जो अभी मामला जो संज्ञान में आया, 2-3 दिन से चल रहा है, नगर विकास शामगढ़ के नाम से आईडी बनी है, जो कि सभी, अगर नगर विकास होता है तो शामगढ़ की सभी बातें होना चाहिए, लेकिन इसको एक राजनीतिक रूप दिया गया है। कुल मिला के हिंदुत्व अगेंस्ट या भाजपा अगेंस्ट, ठीक है। अब उसमें भक्त जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो एक भक्त एक आस्था का केंद्र होता है और उसमें व्यापारी हुआ, एक प्रॉपर्टी संबंधित हुआ, हर व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है। तो ये क्या है कि जिस व्यक्ति ने भी आईडी बनाई है वो संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति हो सकता है, जो इस नगर की जो शांति प्रिय जनता है उसके बीच में एक ऐसा मैसेज दे रहा है जो मतलब कुल मिला के राजनीतिक मैसेज है, मतलब भड़काने वाला जो संदेश है उसके खिलाफ भी ज्ञापन दिया गया है और माननीय थाना प्रभारी मोदी से हमने कहा कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई। क्या नाम है? गिरी प्रजापति, वार्ड नंबर 1, 62।